असल में फ्रेंड, दिस इज अदिल पठान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खरीद होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे फेसबुक आईडी जो है वो हमारे किस किस डिवाइस में साइन इन है, यानी लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है, किस किस मोबाइल में हमने साइन इन किए और कहाँ कहाँ से हमने साइन आउट किए। तो भैया आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्त ऐसे करते हैं कि उसके पास जो मोबाइल बेचते हैं आगे, तो वो अपने जो मोबाइल होता है उसको रिस्टोर करके आगे बेच देते हैं, ठीक है, और साथ में फिर जो है ना वो दूसरा फ़ोन लेके उसमें अपने आईडी को साइन इन कर देते हैं या किसी के लैपटॉप में अपने आईडी को साइन इन करके वापस लॉग आउट कर देते हैं। लेकिन वो आईडी दरअसल लॉग आउट होती नहीं है, वो आसानी से आपके जो आईडी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक जो ना सेटिंग है, वहाँ से अगर आप उसको साइन आउट नहीं करेंगे तो फिर आपको भाई जो है ना आपके आईडी जो है ना आसानी से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा, मैं खुद के एक आईडी पर ट्राई करके आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे आईडी कहां कहां पे साइन इन है, मैंने कहां कहां पे अपने आईडी को इस्तेमाल किया है, या मेरे अलावा किसी और कंट्री में है या किसी और जगह पे मेरे आईडी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, ताकि मुझे पता ही ना हो और वो मेरे आईडी का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखना है, इसी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपने आईडी को जो है सेव रखना है, और ये जो है एक आसान तरीका होता है हैक करने को, क्योंकि आप उसके जो है अपना आधा काम जो है ना उसको दे देते हो कि भाई आप मेरे आईडी को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जब आपके वो दो तीन रॉन्ग जो है पासवर्ड लगाएंगे कि उसके बाद फिर अगेन उसको पारगेट का ऑप्शन दे देंगे, वहाँ पे आपका आईडी को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। चलो स्क्रीन पे चलते हैं कि ये किस तरह की जाती है, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा भाई, तो हम आगे स्क्रीन पे, अब यहाँ से हम सीखेंगे कि वो कहाँ पर है वो डिवाइस, कहाँ पे पता चलेगा कि भाई हमारा अकाउंट कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, हमारा आईडी कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके लिए सिंपल सा आपने अपने फेसबुक अकाउंट में जाना पड़ेगा, डायरेक्टली फेसबुक को ओपन करने जाहिर बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर जाके आपने डायरेक्टली जाना होगा सेटिंग के अंदर, ठीक है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा और यहाँ पर ये जो प्राइवेसी आप क्लिक करोगे तो प्राइवेसी के बाद नीचे सेटिंग आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लॉगिन ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो आपने सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब खुलेगा तो यहाँ पर पता चलेगा ये मैं हॉट 10 कराची में अभी मैं मौजूद हूँ, और भाई ये सेकंड नंबर पर ये यूनाइटेड स्टेट में कौन इस्तेमाल कर रहे हो, ये देखे भाई मैंने आप लोगों को बताया बताना कि भाई ये मतलब आपको कैसे पता चलेगा, तो भाई यूनाइटेड स्टेट तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ, ठीक है, और यस्टरडे यानी मतलब कल उन्होंने यहाँ पर मेरा अकाउंट खोला है यूनाइटेड स्टेट में, और ये जो अजीब सा नाम है यहाँ पर, तो भाई यहाँ से ये मुझे लॉग आउट कर देना है। पहले मैं यहाँ से कर लूँ, ये देख कितने सीक्रेट तरीके से ये लोग अकाउंट को जो है ना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे से लॉग आउट भी नहीं हुआ है और उसके बावजूद भी वहाँ पर ये मेरा अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी गूगल क्रोम में, और यहाँ पर मैं एक्टिवेट हूँ फेसबुक ऐप से, तो यहाँ पर मुझे ये भी बता रहा है। अभी आप अपना फ़ोन चेक करें कि भाई आपका अकाउंट कहाँ कहाँ पर लॉग इन है, और यहाँ ये एक तरीका होता है आपको हैक करने का, आपसे अकाउंट चला जाता है, आपके फ़ोन से उसको लॉग आउट नहीं करते हो, तो जब भी आप फ़ोन को बेचते हो या मतलब सेल करते हो, कुछ भी करते हो, तो भाई आप यहाँ से ज़रूर एक मरतबा लॉग आउट ज़रूर कर लिया करें अपने आईडी से, तो फिर आपकी आईडी हमेशा के लिए सेफ रहेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।